हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। माई सेल्फ सुविता चौधरी। पिछले वीडियो में अपने बैक्टीरिया के सेल वॉल के बारे में पढ़ा था, जिसके अंतर्गत हमने देखा था कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के जो सेल वॉल है उसमें क्या डिफरेंस है। उसके बाद हम देखते हैं सेल मेम्ब्रेन के बारे में। तो बैक्टीरिया की जो सेल मेम्ब्रेन है वो लाइपोप्रोटीन से बनी हुई होती है। लाइपोप्रोटीन मतलब लिपिड प्लस प्रोटीन। एंड द स्पेस बिटवीन सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन इज पेरी प्लाज्मिक स्पेस। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच का जो स्पेस है उसको अपन कहते हैं पेरी प्लाज्मिक स्पेस। एंड दिस इज एनालोगस टू लाइसोसोम। और ये यूकेरियोटिक सेल का जो लाइसोसोम है वो जो काम करता है वही काम ये पेरी प्लाज्मिक स्पेस काम करता है। बिकॉज इन दिस स्पेस द डाइजेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इज डन। उसके बाद आता है साइटोप्लाज्म। द साइटोप्लाज्म ऑफ प्रोकैरियोट्स लैक्स मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स। इनका जो साइटोप्लाज्म है प्रोकैरियोट्स का उसमें मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स अब्सेंट होते हैं। न्यूक्लियस इज ऑल्सो नॉन एज इंसिपिएंट न्यूक्लियस, गोनोपोर न्यूक्लियोइड और फाइब्रिलर न्यूक्लियस, इन नामों से भी जाना जाता है। एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज अब्सेंट, लैक्स न्यूक्लियोलस। फिर आता है सेल प्रोजेक्शंस, मतलब बैक्टीरिया सेल के ऊपर जो भी प्रोजेक्शंस निकले हुए हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले पढ़ते हैं फ्लैजिला के बारे में। ए बैक्टीरियल फ्लैजिलम हैज थ्री बेसिक पार्ट्स। बैक्टीरिया का जो फ्लैजिलम है उसके तीन बेसिक पार्ट्स हैं, बेसल बॉडी, हुक एंड फिलामेंट्स। ये जो रीजन है ये कहलाता है बेसल बॉडी, एंड दिस कनेक्टिव रीजन इज हुक एंड थर्ड वन इज फिलामेंट। ये जो बेसल बॉडी है और हुक और फिलामेंट के बारे में हम डिटेल से आगे पढ़ेंगे। थोड़ा सा मैं इसी डायग्राम में बताना चाहूँगी कि बेसल बॉडी है ये साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन और सेल वॉल इन दोनों के अंदर एम्बेडेड रहता है, जबकि हुक जो है ये बेसल बॉडी और फिलामेंट को जोड़ने का काम करता है, और जो एंड रीजन है ये कहलाता है फिलामेंट। सबसे पहले देखते हैं बेसल बॉडी के बारे में डिटेल से। इट इज द बेसल पार्ट ऑफ फ्लैजिलम एंड रोड शेप्ड इन स्ट्रक्चर। फ्लैजिला का जो सबसे नीचे का पार्ट है वो कहलाता है बेसल बॉडी एंड रॉड शेप्ड होता है स्ट्रक्चर में। इट लाइज विद इन द सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। और ये बेसल बॉडी जो है सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन में एम्बेडेड रहते हैं। दिस प्रोटीनियस रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर इज सराउंडेड बाई टू पेयर ऑफ रिंग। बेसल बॉडी जो है दो पेयर से घिरा होता है, रिंग्स के दो पेयर हैं उनसे घिरा हुआ रहता है। एक आउटर पेयर कहलाता है और दूसरा इनर पेयर। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं दो पेयर पाए जा रहे हैं, एक ये वाला पेयर और दूसरा ये पेयर, मतलब दोनों पेयर में दो दो रिंग्स पाई जा रही हैं, वन एंड टू, वन एंड टू। दिस इज आउटर पेयर एंड दिस इज इनर पेयर। आउटर पेयर ऑफ रिंग लाइज विद इन द सेल वॉल। आउटर पेयर जो है वो सेल वॉल के अंदर पाया जाता है, जबकि इनर पेयर ऑफ रिंग लाइज विद इन द सेल मेम्ब्रेन, जबकि इनर जो पेयर है वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर है। वन रिंग ऑफ दिस पेयर इज कॉल्ड एल एंड अनदर इज कॉल्ड पी। आउटर जो पेयर है उसकी एक रिंग कहलाती है एल रिंग और दूसरी जो रिंग कहलाती है वो है पी रिंग। इसी तरह से इनर जो पेयर है इसकी एक रिंग कहलाती है एस एंड दूसरी जो रिंग है वो कहलाती है एम। तो कोई अगर आपसे पूछे कि आउटर पेयर की जो रिंग है उनके क्या नाम है, तो यू कैन आंसर एल रिंग एंड पी। और इन जो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन की जो पेयर है, मतलब इनर जो पेयर है उसकी जो रिंग्स है उनका नाम है एस एंड एम। यू कैन रिमेम्बर दो पेयर्स पाए जाते हैं आउटर पेयर एंड इनर पेयर। आउटर पेयर में दो रिंग पाई जाती हैं एल एंड पी, एंड इनर पेयर में दो रिंग पाई जाती हैं एस एंड एम, एल पी एस एम। इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ओनली वन पेयर ऑफ रिंग्स इज सॉरी इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ओनली वन पेयर ऑफ रिंग फाउंड। ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया हैं उनमें सिर्फ एक ही पेयर पाया जाता है, कौन सा, इनर पेयर। ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया उनमें सिर्फ ये पेयर ही पाया जाता है, क्योंकि अपन ने पढ़ा है कि उनके स्ट्रक्चर में सिर्फ पेप्टिडोग्लाइन
ग्लाइकेन की एक मोटी लेयर पाई जाती है सेल वॉल के फॉर्म में, उसमें ये आउटर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में ये आउटर मेम्ब्रेन पाए जाने के कारण ये आउटर पेयर भी पाया जाता है। इसलिए यहाँ पे चार रिंग्स पाई जाती हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में, जबकि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में ये वाला रीजन नहीं पाए जाने के कारण सिर्फ इनर पेयर की जो दो रिंग है वही पाई जाती हैं। और ये डिफरेंस अपने जब ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का डिफरेंस पढ़ा था वहां पे भी मैंने मेंशन किया है। फिर आता है हुक, इट कनेक्ट्स द बेसल बॉडी टू फिलामेंट। हुक जो काम करता है वो बेसल बॉडी और फिलामेंट को कनेक्ट करने का काम करता है। इट इज द मिडल पार्ट ऑफ फ्लैजिलम एंड इट्स सम पार्ट लाइज विद इन द सेल वॉल। और फिर आता है फिलामेंट, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनर रिंग है जिसमें दो लेयर हैं, एक एस एंड एम और यहाँ पे ये एल एंड पी, ये हुक रीजन है और ये फिलामेंट रीजन है। ये यहाँ से आप ये को बैक्टीरियल सेल है, इसको इनलार्ज करके देखा गया तो ये बैक्टीरिया का ये सॉरी ये फ्लेजिलम है। इस फ्लेजिलम को पार्ट को जब इनलार्ज किया गया तो ये कुछ ऐसा अपियर होता है। ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है, क्योंकि आप अंदाजा लगा सकते हैं स्ट्रक्चर को देखते कि यहाँ पे दो लेयर हैं, मतलब ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल है जो दो लेयर से मिलकर बनी होती है। ये वाली लेयर पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है और ये लाइपोपॉलीसेकेराइड्स की। तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में चार रिंग्स पाई जा रही हैं, आउटर पेयर की दो एंड इनर पेयर की दो, एस एंड पी सॉरी एल एंड पी एंड एस एंड एम। सेकेंड जो प्रोजेक्शन है वो है पिलाई। बैक्टीरियल सेल वॉल इज कवर्ड बाई न्यूमेरस हेयर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड पिलाई। बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है इसमें बहुत छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिनको अपन कहते हैं पिलाई। पिलाई आर स्मॉलर देन फ्लेजिला, लेकिन ये फ्लेजिला के कंपेरिजन में छोटे होते हैं। दे आर ऑफ टू टाइप्स, ये भी दो तरह के होते हैं, लॉन्गर पिलाई एंड शॉर्टर पिलाई। लॉन्गर पिलाई इज ऑल्सो नॉन एज एफ पिलाई एंड और सेक्स पिलाई। जो लंबी पिलाई है उसको अपन एफ पिलाई के नाम से भी जानते हैं या सेक्स पिलाई के नाम से भी। लॉन्गर पिलाई अकर्स इन ओनली डोनर बैक्टीरिया एंड हेल्प्स इन कॉन्जुकेशन। ये जो एफ पिलाई या सेक्स पिलाई है सिर्फ डोनर बैक्टीरिया में पाया जाता है, मतलब जब अपन कॉन्जुकेशन पढ़ेंगे तब अपन डोनर और रिसिपियंट बैक्टीरिया के बारे में बात करेंगे। यहाँ सिर्फ आप इतना सा ध्यान रखें कि एफ पिलाई और सेक्स पिलाई जो है वो सिर्फ डोनर बैक्टीरिया में पाई जाती है, कॉन्जुकेशन में हेल्प करता है। दीज आर एबसेंट इन रिसिपियंट बैक्टीरिया और फीमेल, फीमेल में या रिसिपियंट जो बैक्टीरिया उनमें ये एबसेंट होता है। द शॉर्टर पिलाई टेक्स पार्ट इन अटैचमेंट, जबकि ये जो शॉर्टर पिलाई है सिर्फ एक बैक्टीरियल सेल को दूसरी बैक्टीरियल सेल से अटैचमेंट में हेल्प करता है। दीज आर नॉन एज इन्फेक्टिव पिलाई और फेम्ब्रे, और ये जो शॉर्टर पिलाई है इनका दूसरा नाम है इन्फेक्टिव पिलाई और फेम्ब्रे। दीज आर फाउंड ओनली इन पैथोजेनिक बैक्टीरिया। हियर यू कैन सी ये फ्लैजिला है और ये चारों तरफ जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है इनको अपन कहते हैं पिलाई। पिलाई में भी अपन ने पढ़ा दो तरह की पिलाई, लॉन्गर पिलाई एंड शॉर्टर पिलाई। जो लॉन्गर पिलाई है उसको अपन सेक्स पिलाई या सेक्स पिलाई के नाम से जानते हैं, और जो शॉर्टर पिलाई है इनको अपन फिम्ब्रे के नाम से जानते हैं। एंड दिस इज द ओवरऑल बैक्टीरियल स्ट्रक्चर, आप यहाँ पे देख सकते हैं द आउटर मोस्ट कवरिंग इज नॉन एज कैप्सूल। कैप्सूल के बाद आप देख सकते हैं हियर यू कैन सी दिस इज सेल वॉल, सेल वॉल मेड अप ऑफ म्यूरेन। सेल वॉल के नीचे है सेल मेम्ब्रेन, ये जो ब्राउन कलर का स्ट्रक्चर है ये है आपकी सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद आप ये देख सकते हैं ये वाला जो है ये फ्लेजिला है, फ्लेजिला का ये बेसल बॉडी, ये हुक एंड ये फिलामेंट, और ये है आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन है जो कि सिर्फ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में पाई जाती है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में आउटर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। और ये है अटैचमेंट पिलाई, और ये प्लाज्मिड है, ये न्यूक्लियस इक्विवेलेंट जिसको अपन न्यूक्लियोइड कहते हैं। सो दिस इज द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल। सो यहाँ पे अपना ये टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन के बारे में। सो थैंक यू सो मच।